पब्लिक टीवी आपकी आवाज। गजरौला से जांच कराने मुरादाबाद आई महिला की गर्दन की गांठ से सैंपल लेने के करीब 3 घंटे बाद ही उसकी मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर जांच के नाम पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया। देर रात कोतवाली में डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। वहीं डॉक्टर ने आरोप को निराधार बताया। अमरोहा जनपद के गजरौला थाना क्षेत्र के मायापुरी निवासी आकाश वर्मा शराब की दुकान पर सेल्समैन है। आकाश ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी शिवानी के गले में कुछ दिक्कत थी। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड और अन्य जांच के लिए लिखा था। सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे वो शिवानी को लेकर मुरादाबाद में कोतवाली क्षेत्र में जीत एंड पाल एक्सरे सेंटर पर पहुंचा। आकाश ने बताया कि उसने फीस जमा कर दी। इसके बाद डॉक्टर ने जांच के लिए खून का सैंपल लिया। आरोप है कि बिना सूचित किए पत्नी के गले में इंजेक्शन लगाकर सैंपल लिया। इसके बाद शिवानी की हालत बिगड़ गई, गर्दन सूज गई और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। परिजनों से लेकर दूसरे निजी चिकित्सक के यहां पहुंचे, जहां डॉक्टर ने शिवानी को मृत घोषित कर दिया। गले में इंफेक्शन था, मैं, मेरा साला और मेरी बीवी आए थे, तो कलावती हॉस्पिटल है वहां से उन्होंने रिपोर्ट के लिए भेजा था यहां, ब्लड ग्रुप और अल्ट्रासाउंड और ब्लड की जांच जो होती है ये सब करने के लिए। तो वो डॉक्टर साहब अंदर ले गए, ब्लड सब अभी कुछ नहीं हुआ, ठीक है, वो अंदर ले गए। उन्होंने यहाँ से कुछ ऐसा करा कि सांस लो और ये दबाया और यहाँ से ब्लड खींचा, जब इसे सांस आना बंद हो गया और यहाँ उन्होंने कह दी कि यहाँ ले आओ, यहाँ आए कि मृत घोषित कर दिया इन डॉक्टरों ने। हाँ अच्छा, तो किसके यहाँ पर गए थे आप? जीत एंड पाल जो है यहाँ अस्पताल है वहाँ गए थे हम अल्ट्रासाउंड कराने। तो उनके यहाँ अल्ट्रासाउंड कराने गए, जो भी ब्लड ग्रुप है ये सब यही होता था। उन्होंने पैसे भी ले लिए हैं, अभी कुछ भी ना हुआ था, अंदर ले गए बस, जब से ही सांस आना बंद हो गया, नीली पड़ गई तो यहाँ को भेज दिया। आपको क्या लगता है, मतलब क्या क्या लापरवाही रही है, क्या वजह? लापरवाही क्या, हमारे साथ तो सही बैठी थी, ये अंदर जाके इसका क्या क्या दबाया और यहाँ से सुई हुई। ये जब आप लाए थे मृतक वहीं हो चुकी थी या यहाँ पर आकर हुई है? ना ना, यहीं आकर हुई थी, ये तो वहाँ से सांस आना बंद हो गया, पीली पड़ गई, मयूरी में बोला नहीं गया इसे। हाँ, और जो है जब यहाँ उतारा अंदर दिखाया तो बस मामला जो है खत्म हो गया। तो आपको क्या लगता है, मतलब कि उन्होंने कुछ गलत किया या लापरवाही रही? लापरवाही का, मेरे साथ तो सही बैठी थी, हमारा तो नंबर आने वाला था अभी, तो एक पर्ची वाला जो वहाँ ब्लड ग्रुप होता है टेस्ट, वहाँ से आया कि तुम्हारा कोई टेस्ट होगा, वहाँ से उन्होंने यहाँ से वो निकाला, जब से ही सांस आना बंद है इसका। अच्छा, आपने किसी को कॉल किया, पुलिस को कॉल किया या? मैंने अभी किसी को कॉल नहीं किया, मैं अकेला हूँ या मेरे साथ कोई नहीं है इसका, मैं मेरा साला। महिला की मौत के बाद परिजन दोबारा से एक्सरे सेंटर पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर सुधीर मिड्डा ने जांच के नाम पर गलत इंजेक्शन लगाया, इससे शिवानी की मौत हो गई। हंगामे की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई, परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। पुलिस ने पंचनामा भरने के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देर रात कोतवाली में डॉक्टर सुधीर मिड्डा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। तो वहीं डॉक्टर का कहना है कि सोमवार दोपहर 1:30 बजे महिला गजरौला से आई थी, उसके गले में गांठ थी। 15 से 20 सेकंड की प्रक्रिया में महिला की गांठ से सैंपल लिया गया था। इसके परिजन महिला को अल्ट्रासाउंड कराने ले गए थे। थोड़ी देर बाद परिजन आए और महिला को घबराहट होने लगी। महिला को देखने के बाद उसे दूसरे डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी। शाम 4:30 बजे के बाद परिजन महिला का शव लेकर सेंटर पर पहुंचे। महिला को कोई इंजेक्शन नहीं लगाया गया था। महिला की गर्दन में जो गांठ थी उसकी जाँच के लिए नमूना जरूर लिया गया था। मेरे पास एक पेशेंट शिवानी आकाश, ये अमरोहा से डॉक्टर आर एस सैनी को दिखा रहे थे, तो उन्होंने मेरे पास रेफ़र किया, इसका गले में गांठ थी, तो उस गांठ की एफएनएसी होनी थी, अल्ट्रासाउंड होना था और एक ब्लड की जांच होनी थी। तो मेरा इस पेशेंट से बस इतना ही वो है, और मैंने उसका पहले ब्लड लिया, उसके बाद एफएनएसी की। तो जब मैंने एफएनएसी करी तो पेशेंट की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, मतलब ये पेशेंट बहुत लीन एंड थिन था और उसकी चेस्ट से साउंड्स भी आ रही थी, जैसे मतलब अंदर इन्फेक्शन वगैरह हो। और मैंने एफएनएसी करी, एफएनएसी में पस आया था, वो सैंपल मैंने कलेक्ट कर लिया
और पेशेंट को भेज दिया, और पेशेंट उसके बाद बाहर चला गया। बाहर उसने, जैसा कि वो खुद बता रहे हैं कि मैंने तो नहीं देखा, लेकिन वो लोग बता रहे थे कि उसने पानी वानी पिया, पानी मांगा था, पानी पिया, और वो वहीं बाहर वेट कर रहे थे अल्ट्रासाउंड के लिए। तो थोड़ी देर बाद वो आया मेरे पास कि उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने जाके देखा वहाँ पे, फिर मैंने उसको लिटवा के देखा उसकी पल्स वगैरह, तो उस समय पल्स आ रही थी, सही था। तो मैंने कहा कि ऐसा है, हमारे यहाँ ट्रीटमेंट का तो कोई अभी इंतज़ाम ऐसा है नहीं, क्योंकि हम लोग केवल जाँच ही करते हैं। तो बगल में आप ताड़ी खाने पे 2-3 डॉक्टर्स हैं, किसी को दिखा लीजिए। तो बोले हमें नाम बता दीजिए। तो मैंने कहा डॉक्टर एल के धर हैं, उनको दिखा लीजिए। तो बोले हम बाहर के, हमें एड्रेस नहीं पता। तो मैंने अपना एक लड़का उनके साथ भेज दिया, तो वो वहाँ गया, उनको लेके छोड़ाया। तो उसके बाद जो है लड़का तो हमारा वापस आ गया। उसके बाद मैं अल्टीमेट पे जाता हूँ, तो वहाँ चला गया था। करीब 4:30 बजे मैं दोबारा वापस आया यहाँ पे। तो उसके बाद ये लोग करीब 5 बजे के आसपास ये लोग फिर हमारे सेंटर पे आए बॉडी को लेके। तब मुझे पता चला कि उसकी पेशेंट की डेथ हो गई है। तो इस बीच उन्होंने मुझे तो कांटेक्ट किया नहीं था, तो मुझे पता नहीं था कुछ भी। अच्छा, जिस तरीके से परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं और उन्होंने एक तहरीर दी है कोतवाली, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया है, मतलब क्या कहना है उस पर? भाई अब इस पे मैं तो, भाई मैंने तो कोई ट्रीटमेंट किया ही नहीं है। लापरवाही का आरोप लगा। लापरवाही का मैटर तो तब आता है कि जब मैं उसका कोई इलाज कर रहा हूँ, उसमें कोई कोताही बरत रहा हूँ। यहाँ पर लापरवाही से तो कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि हमने तो बस उसका ब्लड सैंपल लिया और एफएनएसी के लिए सैंपल लिया, बात इतना सा काम हमने किया है। ये कोइंसिडेंस था कि मरीज की डेथ हो गई, वो भी यहाँ से मरीज को मैंने उधर भेजा उस दूसरी जगह, तो वहाँ डेथ हुई है। और रास्ते में जैसे मुझे डेथ हुई है तो मुझे नहीं पता है, लेकिन यहाँ से तो पेशेंट को मैंने रेफर कर दिया था, और मेरा इससे अलावा और कोई काम भी नहीं था, क्योंकि मैं सैंपल तो ले चुका था, इतना सा काम मेरा है। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।